हे गाइज, वेलकम बैक टू टेक न्यूज़। सो गाइज, फाइनली हमारा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है और उसी पैसे से मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है रेडमी नोट 11 T5G स्मार्टफोन, जो कि यूट्यूब के पैसे से मैंने बाय किया है। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपको यहाँ पे फेस कैम वीडियो मिलने वाला है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर। और ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है, क्योंकि मेरे पास पहले पुराना फ़ोन था, टूटा फूटा फ़ोन था, तो इसलिए मैं इस फेस कैम वीडियो नहीं बना पाता था। और कुछ दिनों से, जब से सुना है कि मेरा पेमेंट आने वाला है, तब से ये फ़ोन काम करना बंद कर दिया, एकदम बेकार हो चुका है। तो इसलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, 10 से 12 दिन हो गया। सो फाइनली अपना फर्स्ट पेमेंट से यहाँ पे 5G स्मार्टफोन बाय कर चुका हूँ। सो कितना पेमेंट आया है, कितना टाइम लगा, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और आज तो एक लाइक बनता है इस वीडियो पर। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, तो इस वीडियो को कम से कम लाइक कर देना। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, मेरा चैनल करीब 3 महीना पहले ही मोनेटाइज हो गया था, जो कि 17 अगस्त को मोनेटाइज हुआ था, 17 अगस्त 2021 को। और मेरा पेमेंट आया करीब 3 महीना बाद, मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है। तो इतना टाइम कैसे लगा, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखो, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 17 अगस्त 2021 को, तो इसलिए अगस्त में मेरा $100 कम्प्लीट नहीं हो पाया था। फिर सितंबर का जितना डॉलर बना और अगस्त का जो डॉलर बना, दोनों मिला के मुझे अक्टूबर में 7 तारीख को ऐड हुआ। आपको पता होगा कि 7 तारीख को हर महीने ऐड होता है एडसेंस में, फिर उसके बाद 21 तारीख को पेमेंट आता है। तो अक्टूबर में ऐड हुआ 7 तारीख को, फिर उसके बाद 21 तारीख को पेमेंट आना था, लेकिन मेरा 22 तारीख को पेंडिंग में चला गया था, फिर भी नहीं आता। 22 तारीख को पेंडिंग दिखा रहा था, उसके बाद चला गया। 22 या 23 तारीख को ही मुझे मैसेज मिला कि आपका पेमेंट रिलीज कर दिया गया, मेल आया था। फिर 25 तारीख को मुझे बैंक से मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना डॉलर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि फॉरेन का है डॉलर इतना, लेकिन आपका जो पेमेंट है फेमा गाइडलाइंस एक्टिविटी में चला गया है। तो ऐसा होता है फॉरेन का, किसी किसी बैंक में ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो बैंक ऑफ इंडिया में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, मुझे दो ढाई महीने लग गया पेमेंट आने में। 27 अक्टूबर को मैं बैंक में विजिट किया, वहाँ पे दिखाया मैसेज कि मेरा इतना डॉलर आ रहा था लेकिन फंस गया है, फेमा गाइडलाइंस एक्टिविटी दिखा रहा है और बैंक में विजिट करने के लिए। तो वहाँ पर गया, तो ये मतलब लोकल है, बड़ा शहर नहीं है, तो यहाँ पर जो भी बैंक में थे काम करने वाले कर्मचारी, तो वो बोल रहे कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ गया है, कैसा फ़ॉरेन का है पैसा, ये तो पता चल रहा, लेकिन कहाँ गया, कुछ अकाउंट में चेक किए तो कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फिर बोला कि आप एप्लीकेशन लिख दो कि आपका इतना पेमेंट आ रहा था और इस तरह से फंस चुका है। तो मैं एप्लीकेशन लिख के दे दिया 27 अक्टूबर को, फिर भी नहीं हुआ। मैं काफ़ी वेट किया, फिर छठ पूजा का छुट्टी वगैरह चलने लगा, वो लोग बोले कि हम पटना ट्रांसफ़र कर देंगे उस एप्लीकेशन को। तो फिर मैं विज़िट किया बैंक में 2-3 दिन बाद, तो वो बोले कि हमने तो पटना ट्रांसफ़र किया था, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर बोले कि आप पटना विज़िट करो, मैं बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो वो लोग बोले कि पटना जाओ, अब मेन ब्रांच में वहाँ पर बात करो, मेन ब्रांच में ही यूट्यूब का पैसा आता है। तो फिर मैं फाइनली वहाँ पर 2 नवम्बर को पटना विज़िट किया, मेन ब्रांच में, बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच में गया। तो फिर वहाँ पे चेक किया मेरा पासबुक, बोला कि हाँ ऐसा होता है इस बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी लेट होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर फॉरेन एक्सचेंज जो है इसमें वर्कर कम है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 से 3 वीक और आपको वेट करना होगा। तो लेकिन जो वो मैसेज आ रहा था बार बार फेमा गाइडलाइंस एक्टिविटी का, जब से पटना गया वो आना बंद हो गया। फिर उसके बाद मेरा पेमेंट फाइनली यहाँ पे 16 नवंबर को पेमेंट आया, फर्स्ट पेमेंट। तो अब बात करते हैं कितना आया है पेमेंट और कितने का मैंने स्मार्टफोन बाय किया है। देख सकते हैं, जैसे ही पेमेंट आया तो मैं स्मार्टफोन लेने का डिसाइड किया, क्योंकि मेरा जो पहले वाला फ़ोन था वो काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे ही सुना कि मेरा पेमेंट आ रहा है, पेमेंट आने वाला है, वो तो पुराना वाला मोबाइल एकदम काम करना ही बंद कर दिया। तो इसलिए मैं डिसाइड किया कि सबसे पहले स्मार्टफोन लूँगा, ताकि मैं फेस कैम वीडियो भी बना सकूँ। ये मेरा फर्स्ट फेस कैम वीडियो है इस चैनल पर, इससे पहले मैंने फेस कैम वीडियो नहीं बनाया था सामने आकर, तो इसी वजह से मैं उस फ़ोन में नहीं बना पा रहा था, उसमें स्टोरेज बहुत ही कम था। जब भी फेस कैम वीडियो बनाने को सोचता था तो स्टोरेज फुल हो जाता था, ये प्रॉब्लम होती थी। तो अब नहीं होगी वो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने नया फ़ोन ले लिया है, अब फेस कैम वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो कि सेटअप का है, अगर मुझे फ़ोन नहीं लेना होता तो मैं अपना सेटअप ही रेडी करता, क्योंकि सेटअप बहुत ही ज़रूरी है वीडियो बनाने के लिए, सेपरेट जगह बहुत ही ज़रूरी है वीडियो बनाने के लिए, ताकि नॉइज़ वगैरह होता है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते, काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो मैं एक गांव से हूँ और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत किया, 2 साल मैंने मेहनत किया है। 2020 में ही मैंने एक चैनल बनाया था लेकिन उस पर सफलता नहीं मिली। फाइनली इस पर मैंने फिर नया चैनल बना के 2021 में काम करना शुरू किया और फाइनली मुझे कुछ अर्निंग हो रही है। तो आप भी कर सकते हैं, आप कहाँ से हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी मेहनत रंग लाएगी एक ना एक दिन। तो इसलिए आप भी लगे रहिए, अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मेरा जो फर्स्ट पेमेंट है कितना आया है। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कितना आया है, यही जानने के लिए काफ़ी लोग बेचैन रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं ये स्मार्टफोन रेडमी नोट 11T 5G स्मार्टफोन है। इसका नाम है रेडमी नोट 11T। शायद ये उल्टा दिख रहा क्योंकि मैं सेल्फी कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, रेडमी नोट 11T इसका आप प्राइस देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो इसका जितना प्राइस होगा उसमें से 2000 रुपया माइनस करेंगे तो आपको मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है पता चल जाएगा। तो आप कमेंट में लिखिएगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है, मुझे काफ़ी खुशी होगी। और आप बताइएगा कौन सा मिठाई खाएंगे, कमेंट में यह भी बता दीजिएगा कि आप कौन सा मिठाई खाइएगा और वीडियो क्वालिटी कैसा है सब कुछ बताइएगा आप कमेंट में, मुझे काफ़ी खुशी होगी। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।